इलेक्शन में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, इलेक्शन में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, इलेक्शन में जितने भी फ्रेजेस यूज होते हैं, इलेक्शन में जितने भी स्लोगन्स यूज होते हैं, इलेक्शंस में जितने भी फैक्ट्स हैं और इलेक्शन में जितने भी कोटेशंस यूज होते हैं, ब्यूरोक्रेसी हमारी इतनी डैमेज, अगर ब्यूरोक्रेसी डैमेज हो गई किसी देश की तो समझ लो पूरा देश डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड, बट they have the education power. The citizens of the country and of the nation of India and Bharat and Hindustan, we have the right, hamara adhikar hai to cast our votes, hame vote dene ka, mat dene ka adhikar hai. Lok Sabha mein direct election public degi, Rajya Sabha mein public nahi degi. Usi tarike se state mein agar MLA ka election hai to public degi, और MLC का इलेक्शन है तो पब्लिक नहीं देगी. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे राज्यसभा होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक बनता है, चाहे मैं मुस्लिम की बात करता चाहे हिंदू की बात करता, मैं फेमस होता क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन मैं एक नदिया के पार नहीं जा रहा हूं, एक फ्लो में नहीं बह रहा हूं. और भारत के लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए एक फ्लो. आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, तुरंत वायरल होती है, मुस्लिम की तारीफ कर दी जाए या मुस्लिम की बुराई कर दी जाए, हिंदू की तारीफ कर दी जाए, हिंदू की बुराई कर दी जाए, तुरंत एक रात में मिलियन. इलेक्शन में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, इलेक्शन में जितने भी वर्ड्स यूज होते हैं, इलेक्शन में जितने भी फ्रेजेस यूज होते हैं, इलेक्शन में जितने भी स्लोगन्स यूज होते हैं, इलेक्शंस में जितने भी फैक्ट्स हैं और इलेक्शन में जितने भी कोटेशंस यूज होते हैं, वी ऑल द पीपल और वी ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, हम भारत के वासी लोग, वी हैव द अथॉरिटी एंड राइट, द सिटीजंस ऑफ द कंट्री एंड ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया एंड भारत एंड हिंदुस्तान, वी हैव द राइट, हमारा अधिकार है टू कास्ट आवर वोट्स, हमें वोट देने का, मत देने का अधिकार है. बट बिफोर वी कास्ट आवर वोट, हम वोट देने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड few of the astonishing and interesting factors about election, election commission and about that words and phrases related to election. तो अब जब election की हम बात करते हैं, when we talk about election, तो election में बहुत सी चीजें नजर आती है, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं root से. देखिए, आप अगर कोई बात करेंगे तो आपका एक, इसको बोलते हैं chronological system. अगर मैं आपको एक age की बात करूं तो age में भी, इंसान की उम्र में भी चार words होते हैं. एक होती है बायोलॉजिकल एज, एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, और एक होती है साइकोलॉजिकल एज, और एक होती है अपीयरिंग एज. अब नॉट ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश करिए. तो क्रोनोलॉजी का मतलब क्या है? एक स्टेप वाइज, सिस्टम वाइज, एक दो तीन, हमें नहीं कह सकते एक पांच छह, We have to say एक दो तीन. तो आपका आधार कार्ड की जो उम्र है वो क्रोनोलॉजिकल एज, दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज. कोई आपसे पूछ दे, एक्सक्यूज मी, टेल मी व्हाट इज योर क्रोनोलॉजिकल एज, तो आप बोलेंगे, ओ माय क्रोनोलॉजिकल एज अकॉर्डिंग टू माय आधार कार्ड आई एम 26 इयर्स ओल्ड, मैं 26 साल का हूं, आई एम 25 इयर्स ऑफ ओल्ड. तो ये क्रोनोलॉजिकल एज है. बायोलॉजिकल एज का मतलब आपकी क्रोनोलॉजिकल एज भले से 65 साल है आपके आधार कार्ड में, बट आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका फेफड़ा, आपका दिल, गुर्दा, दिमाग, ब्रेन, सब कुछ इतना मजबूत है कि आपको लगता है कि मैं तो अभी 25 साल का मजबूत इंसान हूं, मेरा लीवर जबरदस्त है. तो बायोलॉजिकल एज का मतलब होता है यू आर फिजिकली एंड बायोलॉजिकली स्ट्रांग, वो आपकी एज बायोलॉजिकल एज होती है. तीसरी एज होती है अपीयरिंग एज. मेनी पीपल आर देयर इन द वर्ल्ड हु आर वेरी ओल्ड. वी कैन हैव अ वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ अनिल कपूर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री. ही इज मोर देन 60 बट ही लुक्स यू नो जस्ट 40. व्हाई? बिकॉज ही ऑलवेज लुक्स वेरी डैशिंग. व्हाई? बिकॉज हिज अपीयरिंग एज इज वेरी लेस. उसका जो दिखने वाली उम्र है वो बड़ी कम दिखती है, बट रियल में क्रोनोलॉजिकल एज ज्यादा है. बायोलॉजिकल एज का मुझे पता नहीं, वो अनिल कपूर साहब से पूछना पड़ेगा, भाई लीवर कैसा काम कर, राइट? उसके बाद हमारे पास है साइकोलॉजिकल एज. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो 18 साल की उम्र में वो बुढ़ापे जैसी बात करते हैं, उनकी साइकोलॉजिकल एज बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुकी है. बहुत से लोग 80 साल की उम्र में नौजवान यो यो वाली बात करते हैं, कहने का मतलब उनकी साइकोलॉजिकल एज बहुत कम है.
तो दिमाग से जो उम्र होती है वो साइकोलॉजिकल एज। अब मैं आपको यहां पे क्रोनोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेस की बात करें तो इन द बिजनेस इंडस्ट्री फैक्ट्री में कोई सामान बनता है, उसके बाद वहां से कंपनी में जाता है, कंपनी से एजेंसी में जाता है, एजेंसी से फिर उसके बाद होलसेल में जाता है, होलसेल के बाद रिटेल में जाता है, रिटेल के बाद कस्टमर के पास आता है। तो अब यहां पे फैक्ट्री में सामान बना, यहां पे हो गया कॉस्टिंग और यहां पहुंचते पहुंचते ये हो गया प्राइसिंग, क्योंकि यहां पे लागत मूल्य, यहां पे बिकत मूल्य, इसीलिए हर चीज में लिख के आता है हर प्रोडक्ट पे इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, हर टैक्स को मिलाकर इसकी प्राइस इतनी हुई, इसीलिए हर प्रोडक्ट पे दिया रहता है एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मतलब ये है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो फैक्ट्री प्रोड्यूसेस द गुड्स, इट ट्रांसफर्स टू द कंपनी, देन एजेंसी, देन होलसेल, देन रिटेल, देन टू द कस्टमर। सो कस्टमर एक्चुअली पे द टैक्सेस, दैट्स व्हाई देयर इज मेंशन एमआरपी। सेम वे, सेम तरीका होता है हमारे देश को बनाने का। वी स्टार्ट फ्रॉम विलेज, हम गांव से शुरू करते हैं, देन वी कम टू द ब्लॉक, फिर हम ब्लॉक पे आते हैं, देन वी कम टू द सब डिस्ट्रिक्ट एसडी, देन वी कम टू द डिस्ट्रिक्ट, फिर हम डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, देन वी कम टू द स्टेट, फिर हम राज्य पे आते हैं, देन वी कम टू द यू नो नेशन, फिर हम राष्ट्र पे आते हैं। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट विलेज, जब आप गांव की बात करते हैं, सो इन द विलेज व्हाट यू हैव, आपके पास क्या है? इन द विलेज यू हैव एक्चुअली द प्रधान, राइट, द मेंबर, द बीडीसी। अब आप ध्यान दीजिए, वी हैव बीडीसी, वी हैव बीडीओ एंड वी हैव वीडियो। मैं आपको थोड़ा डिटेल्स भी करता हूं, उसके बाद वर्ड्स पे बात करेंगे। बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, राइट। कोई भी सेक्रेटरी है जो गांव की भाई जिम्मेदारी लेता है वो वीडियो है, लेकिन जो बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जो ब्लॉक प्रमुख को वोट देता है वो बीडीसी होता है, और जो पूरे ब्लॉक का मालिक होता है वो बीडीओ होता है। तो प्रधान पूरे गांव का मालिक, बीडीओ पूरे ब्लॉक का मालिक, वीडियो गांव का सेक्रेटरी, बीडीसी वो ब्लॉक प्रमुख को वोट देता है। तो ये सिस्टम होता है, ये क्रोनोलॉजी है। अच्छा, नाउ यू बिकम द प्रधान, आप प्रधान बन गए, मतलब गांव के चीफ, यू बिकम द चीफ। हियर यू कैन यूज टू वर्ड्स, आप यहां पे दो वर्ड्स यूज कर सकते हो। माय फादर इज द चीफ ऑफ द विलेज, माय फादर इज द प्राइम मेंबर ऑफ द विलेज। तो प्राइम मेंबर बोलिए तो आप चीफ बोलिए। फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट एनीथिंग, तो वहां पे दो मेंबर्स होते हैं, या तो आप चेयरपर्सन बोलिए, चेयरमैन बोलिए, प्राइम मेंबर बोलिए, चीफ बोलिए, ये चारों का मतलब है कि वो मुख्य मेन है। तो दीज वर्ड्स मीन्स, इन शब्दों का मतलब होता है कि भाई ये मेन है, मुखिया है। तो यहां प्रधान बन गए। और आजकल तो ऐसा माहौल चला हुआ है कि लोग प्रधान बनके अपने आप को प्रधानमंत्री समझ बैठे, राइट। ऐसा लगता है कि भाई इन्होंने बहुत कुछ कर दिया, बुर्ज खलीफा इन्होंने ही बनवाया था। सो दीज थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस वर्ल्ड, बट दैट्स रियली वेरी सैड। उसके बाद वी कम टू द ब्लॉक, फिर हम ब्लॉक में आते हैं, ब्लॉक में हमें मिलता है ब्लॉक प्रमुख, राइट, बीपी, जिसका ब्लड प्रेशर काफी हाई और काफी लो होता रहता है, क्योंकि ये बीडीसी को चुराते हैं, राइट, और ये 5-5, 10-10 लाख रुपए देके बीडीसी को खरीदते हैं। तो ये बीपी ब्लॉक प्रमुख जरूर है, लेकिन इनका बीपी हमेशा लो और हाई चलता रहता है। आफ्टर दैट उसके बाद वी हैव एसडी, राइट, सब डिस्ट्रिक्ट। तो सब डिस्ट्रिक्ट में हमें कौन मिल सकता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें मिल सकते हैं एमएलए और एमएलसी। अभी मैं आपको थोड़ा नॉलेज की बात कर रहा हूं, फिर आता हूं वर्ड्स पर। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और यही आपके डिस्ट्रिक्ट में जाके लगभग 1 या 2 एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाते हैं, और यही स्टेट वाइज जाके सीएम चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और यही नेशन वाइज जाके पीएम प्रधानमंत्री बना देते हैं, राइट। तो सिंपल इज दैट, बड़ा सिंपल सा मामला है, एमपी मिलके पीएम बना देते हैं, एमएलए मिलके सीएम बना देते हैं। लेकिन आपको पता ये होना चाहिए, यू शुड नो टू थिंग्स, कि भाई स्टेट में भी दो हाउस हैं और नेशन में भी दो हाउस हैं। यहां पे लोकसभा है और राज्यसभा है। मैं आपको कोई जीके आज नहीं पढ़ा रहा हूं, बट थोड़ा सा बता दे रहा हूं। लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शन पब्लिक देगी, राज्यसभा में पब्लिक नहीं देगी। उसी तरीके से स्टेट में अगर एमएलए का इलेक्शन है तो पब्लिक देगी, और एमएलसी का इलेक्शन है तो पब्लिक नहीं देगी। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जैसे राज्यसभा होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो विधायक बनता है। बहरहाल इस पर हमें डिस्कस करना नहीं, हमें बात करना है वर्ड्स और चीजों पे, बिकॉज इन टूडेज टाइम वी कैन सी दैट देर इज इलेक्शन इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट, one of the superpower countries contesting or conducting its election, and it has in the search mode of finding and choosing its presidential candidates, and there are two people, Kamala Harris and Donald Trump. Let's see that who wins the election, and all the Americans are waiting for the result
that when the result will be out and who will be the president of USA. Right, so now moving ahead. And moving ahead, we will discuss about सबसे पहले एक वर्ड पे हम चलते हैं. यहां पे इलेक्शन जो है वो इलेक्ट से बना हुआ है, और इलेक्ट का मतलब होता है सेलेक्ट. किसी को चुनने को हम सेलेक्ट बोलते हैं, इलेक्ट बोलते हैं. हमारे भारत देश के अंदर हमारे पास ECI है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, EC, स्टेट इलेक्शन कमीशन. हमारे पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, दो डिपार्टमेंट है विच कंडक्ट्स द एक्चुअली इलेक्शंस. सबसे पहले यहां पे हमें एक वर्ड मिला इलेक्ट. अब जब भी कोई इंसान इलेक्शन में आता है तो प्लीज वो क्या कहता है, ही हैज और शी हैज अ स्लोगन. उसका एक स्लोगन होता है, प्लीज इलेक्ट मी, प्लीज इलेक्ट मी. ही डज नॉट से प्लीज सेलेक्ट मी. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दोनों में फर्क क्या है. प्लीज इलेक्ट मी और प्लीज सेलेक्ट मी. सेलेक्ट इंसान तब करता है जब इंसान के पास ऑप्शन हो और उसको ले ले, तब सेलेक्ट करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए रिश्ते में चार लड़कियों की फोटो आई है. अब आप क्या करेंगे, इन आउट ऑफ फोर पिक्चर्स यू हैव टू सेलेक्ट वन. आपको सेलेक्ट करना है, आपने ये वाली कहा मैंने इस वाली से शादी करनी है. इलेक्ट का मतलब, व्हाट डू यू मीन बाई इलेक्ट, इलेक्ट का मतलब ये होता है कि मैं आपको समर्थन देता हूं कि आप इलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट ना हो जाए, इलेक्ट हो जाए. इलेक्ट मतलब आपको चुना जाए, बट कैसे, पावर देकर. सेलेक्ट में आप कोई पावर नहीं देते किसी को, इलेक्ट में पावर देते हैं. इसीलिए इलेक्ट से इलेक्शन है, सेलेक्ट से सिलेक्शन है. कपड़े को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, क्या पावर देते हैं आप सिलेक्शन में. सिलेक्शन में जीरो पावर है, इलेक्शन में बहुत पावर है. तो आपसे कोई पूछे कि बताओ मैं आपको इलेक्ट करूं या सिलेक्ट करूं, बोले मुझे इलेक्ट करो, सिलेक्ट मत करो. जॉब में सिलेक्ट ही करते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट करते हैं आपको जॉब में तो आपका पावर बहुत ऊंचा हो जाएगा. क्योंकि इलेक्ट का मतलब क्या है कि आपके साथ पब्लिक है, आपके साथ लोग है, आपके साथ अथॉरिटी है. That is a simple funda. अब ये बहुत कॉमन सा डिफरेंस था. जॉब में भी तो टीम मेंबर है. टीम मेंबर से तो आपको इलेक्ट करेंगे, कोई इलेक्शन करवा के देखो जो ऑफिस में. अभी मैं यहाँ पे इलेक्शन करवा दूं कि बताओ आपकी बैच का कौन ट्रेनर बनेगा, जिसको वोट ज्यादा जाएगा वो इलेक्ट हो जाएगा, और जिसको वोट जाएगा आपका ही विल बी और शी विल बी. उसके बाद उसका कॉलर देखो अगले दिन से, इलेक्ट किया गया हो सेलेक्ट नहीं किया गया हो. राइट, इलेक्शन में पावर होता है, इलेक्शन हैज पावर. नाउ अब व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्शन और इलेक्ट, तो वी इलेक्ट, हम इलेक्ट कैसे करते हैं, वी कास्ट, हम कास्ट करते हैं. कौन सा कास्ट, ये वाला कास्ट नहीं करते, ये कास्ट नहीं करते हम, ये कास्ट करते हैं. कास्ट मतलब वोट देना. प्लीज कास्ट योर वोट फॉर मी, आप मेरे लिए अपना वोट दे दीजिए. क्या करिए, प्लीज गो टू द बैलेट बॉक्स, बैलेट बॉक्स जाइए एंड प्लीज डू द बैलेटिंग, थोड़ा बैलेटिंग कर दीजिए. अब आपको लगेगा कोई बैल मचाना है, नहीं, बैलेटिंग करिए, मेरे लिए वोट दीजिए. या प्लीज गो टू द ईवीएम, राइट, ईवीएम जाइए एंड प्लीज कास्ट योर वोट फॉर मी, मेरे लिए आप अपना वोट दीजिए. राइट, इट्स माय काइंड रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इफ यू वांट टू हैव अ फ्यूचर, फ्यूचरिस्टिक कंट्री एंड फ्यूचरिस्टिक लाइफ, यू हैव टू कास्ट योर वोट फॉर मी, बिकॉज आई एम द राइट कैंडिडेट, आई एम द डिजर्विंग कैंडिडेट, I am the capable candidate, right? इस तरीके से आप बातें बोल सकते हैं. कल को आपको भी नेता बनना हुआ तो आप ये चिपका सकते हैं, राइट, कहने का मतलब ये है. लेकिन आजकल लोग बातों में सनम कुछ और है, हमारे पास गम का मलहम कुछ और है. लेकिन यही तो आजकल हो रहा है, दैट्स वेरी बैड. अब जैसे आज एक फ्रेज आया द टाइम्स ऑफ इंडिया में, उस फ्रेज में मालूम क्या लिखा था, हाँ, फॉल फ्यूचर इन द डार्कनेस. वहां पे था फॉल फ्यूचर इन द डार्कनेस, फॉल फ्यूचर इन द डार्कनेस. अब आप इसका कई सेंस निकाल सकते हो. यू कैन हैव द सेंस कि कोई चीज खराब हो जाना, कोई चीज बर्बाद हो जाना, करियर खराब हो जाना, किसी की जिंदगी खराब हो जाना. ये यूज हुआ था एक्सीडेंट के लिए, गाड़ी ने दो लोगों पे चढ़ा दिया, दो लोगों की मौत हो गई. इनका जो फ्यूचर था, इनकी जो जिंदगी थी, वो कहां चली गई, अंधेरे में. और अंधेरे में कब जाती है सनम, मुझे कब्र में लिटाओगे तो अंधेरा हो जाएगा, मेरी सांसों को रोक देगे तो अंधेरा हो जाएगा. तो यहां पर क्या हो गया कि यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉल फ्यूचर इन द डार्कनेस. अब ऐसे ऐसे फ्रेज इंसान यूज कर सकता है मौत के लिए. आपकी आगे आने वाली जिंदगी कहां चली गई, पूरी अंधेरे में चली गई. और इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, रीच्ड टू द लास्ट अवार्ड, रीच्ड टू द लास्ट अवार्ड, अंतिम घर तक पहुंच जाना, आखिरत, कयामत, राइट, मौत. तो यू रीच टू द लास्ट अवार्ड. अवार्ड का मतलब क्या है, अबॉर्ड मतलब हो गया आपका जो परमानेंट हाउस, जो परमानेंट घर है. अभी तो आप किस में रह रहे हैं, हाउस में रह रहे हैं, बिल्डिंग में रह रहे हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, पहुंचेंगे कहां आप, अबॉर्ड. और वो रहेगा आपका लास्ट अबॉर्ड.
फिर आना नहीं है और आ भी गए चूहा बन सकते हैं राइट तो कहने का मतलब ये है राइट तो पॉइंट इज दैट कि आपको ये चीजें अपने दिमाग में और जहन में रखनी है मेरे दोस्तों। आइए आगे चलते हैं, मूविंग अहेड। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, वी हैव टू अंडरस्टैंड, हमें समझना है। शारदा सिन्हा नहीं, जो कांस्टेबल था, पुलिस कांस्टेबल शारदा सिन्हा नहीं, अच्छा कल उनका भी हो गया, कार से एक्सीडेंट हुआ। अच्छा वो शारदा सिन्हा, हाँ ठीक है ठीक, उनकी तो एम्स में, तो एक्सीडेंट थोड़ी ना हुआ उनका, ये एक्सीडेंट के केस में हुआ। नॉर्मल डेथ रीच टू द लास्ट अबाउट, रीच टू द लास्ट अबाउट, क्योंकि देखिए जब एक्सीडेंट होता है तो जिंदगी और बाकी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिंदगी और बाकी है, उसका फ्यूचर बाकी है, फ्यूचर में अचानक अंधेरा आ गया तो वहां बोल सकते हैं। अब मान लीजिए सपोज करिए कोई 90 साल का और उसकी जिंदगी आराम से जी लिया और वो इंतकाल पर मार गया, देहांत हो गया उसका, उसको नहीं बोलेंगे फ्यूचर फॉल इन द डार्कनेस, उसको बोलेंगे आकस्मिक में, इमेच्योर में, इमेच्योर नहीं अमेच्योर, अमेच्योर मतलब होता है आकस्मिक, अमेच्योर डेथ में हम ये वर्ड यूज, ये फ्रेज यूज करेंगे। राइट एवरीबॉडी, आगे चलते हैं, हम इलेक्शन की बात कर रहे थे। अब इलेक्शन में आपको बहुत सी चीजें देखने को मिलेगी, यू विल सी मल्टीपल थिंग्स, जैसे आपको इसमें सबसे ज्यादा मिलेंगे लोग डेमेगॉग, डेमेगॉग का मतलब होता है भड़काऊ नेता, ये अगर जो इंसान नहीं करेगा ये काम, वो इंसान इलेक्शन में कैसे रहेगा। इवन बींग द प्राइम मिनिस्टर द प्रेसिडेंट, आज भी अमेरिका के राष्ट्रपति को अपोजिट वाले को कुछ ना भला बुरा कहना पड़ता, लोग कैसे समझेंगे, तो ये डेमेगॉगिंग करना पड़ता है, दिस इज द फंड ऑफ इलेक्शन। तो डेमेगॉग भड़काऊ भाषण, और देख लीजिए, और इस भड़काऊ भाषण की वजह से हमारे देश के अंदर रियॉट्स, दंगे, हमारे दुनिया के अंदर वार्स, युद्ध, हमारे खुद के मन में बैटल्स, फाइट्स चलने लगती है, और हम कहीं ना कहीं ग्रैपलिंग और स्कफलिंग और इल स्लोगनिज्म के शिकार हो जाते हैं। जब हम किसी को व्हेनेवर वी फॉलो, फॉर एग्जांपल अभी बोल दिया कि अब्दुल्ला सर ने सिगरेट पीना कूल है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आपको लगेगा जब आप सिगरेट पियोगे तो ये लाइन जरूर याद आएगी, यार अब्दुल्ला सर ने कहा था कूल है सिगरेट पीना, तो आप कभी पियोगे तो अपने आपको 50% कर्ज करोगे, 50% आपको कूल लगेगा, अब्दुल्ला सर ने बोला। अब अगर अब्दुल्ला सर ने बोल दिया तो आप अब्दुल्ला सर को लीडर मानते हो तो आपको लगेगा सही बात, आपको पता है फेफड़ा जल रहा है, बट आपको लगेगा उन्होंने तो बोला था। दिस इज वॉट हमारा माइंड सेट, एंड दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं पावर ऑफ इन्फ्लुएंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड राइट मुफ्ती साहब। दैट्स वाई जैसे कल को आप एक बहुत बड़े स्कॉलर बनते हैं, तो अगर आपने बोल दिया कि भाई इस जाति या इस धर्म वाले के साथ नहीं रहना है, तो लोग आपको फॉलो करने लगेंगे, और अगर लोग फॉलो करने लगेंगे तो आप एज अ लीडर आप अच्छे लीडर नहीं हुए। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आपको क्या करना है कि आपको बात वो रखनी है जो बात इंपॉर्टेंट हो सबके लिए, तो आपको बैलेंस बातें रखनी है। तो एक लीडर का मतलब क्या है, डेमेगॉग कभी नहीं हो सकता मुफ्ती साहब, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू आर गेटिंग माय पॉइंट्स। तो डेमेगॉग का मतलब क्या है कि डेमेगॉग मींस होता है भड़काऊ नेता। तो भड़काऊ नेता से हमारे पास कुछ सिचुएशंस आ सकती है, दंगे हो सकते हैं, युद्ध हो सकते हैं, बैटल्स हो सकती हैं, ग्रैपलिंग और स्कफलिंग, हाथापाई हो सकती है, इल सोलोगनिज्म हो सकता है। इल सोलोगनिज्म का मतलब ऐसा कोई नारा मार्केट में आ सकता है जिस नारे से भड़क जाए पब्लिक, जिस नारे का कोई मतलब ना हो। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ नारे ऐसे रोड पे चलते हैं और उसकी वजह से कभी ये कम्युनिटी, कभी वो कम्युनिटी, कभी वो दिक्कत, दीज आर द प्रॉब्लम्स। दैट इज वाई डेमेगॉग पे हमें कंट्रोल करना है। और डेमेगॉग का लोग, डेमेगॉग का मतलब होता है, या वो लोग करते हैं इन्फ्लामेटरी स्पीच, दे डू द इन्फ्लामेटरी स्पीच, और इन्फ्लामेटरी स्पीच का मतलब होता है आग लगाने वाला भाषण, आग लगाने वाली बात है, इन्फ्लामेटरी स्पीच जो चिंगारी भड़का दे। मेरे दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमने कितने जुल्म सहे हैं? अब दोस्तों का खून गर्म हो रहा है, भाई जुल्म सहे हैं, जो कि जुल्म रियल में। क्या आपको पता है कि कितनी तकलीफों से हमने झेला हुआ है? अब दोस्त और गर्मा रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे। क्या आपको पता है कि वो वक्त क्या था जब हमने खून पसीना बहाया था? अब थोड़ा सा आंसू ला दिया। क्या आपको पता है मेरे दोस्तों, आप कैसे भूल सकते उस बात को? अब याद करिए उस बात को मेरे दोस्तों। अरे यार,
निकाल लिया कट्टा तब तक, राइट टू अंडरस्टैंड। अब अगर उसने निकाल लिया आपकी बातों से, आपका डायरेक्शन ऑफ स्पीच गलत हो गया। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप बोल गलत तरीके से रहे, ये इसलिए बोल रहा हूं कि आप बोल गलत रहे। जो भी एक बड़ी प्यारी सी लाइन है, बरी द हैचेट, बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? मिट्टी डालो। कभी सती प्रथा हुआ करती थी, औरतों को मर्दों के साथ जला दिया जाता था जिंदा, हुआ करती थी। अगर आज उसको रिप्लेस करने की बजाय हस्बैंड को भी जला दिया जाए औरत के साथ, तो गलत है। आप तो कहेंगे बहुत सही सर, आई लाइक इट, क्योंकि हम पहले तड़पे थे, आप थोड़ी ना तड़पी थी, वो औरत गई जो तड़पी थी। कभी हिंदू रिलीजन में कोई मारा गया, कभी मुस्लिम में मारा गया, कभी सिख में मारा गया, कभी ईसाई में मारा गया, वो गए। आज क्यों मार रहे हो, आज क्यों मार रहे हो यार, वो तो गए जो होना था, अभी आज क्यों मार रहे हो? आज ये जिंदा है, ये जिंदा है, ये जिंदा है, इनको तो जिंदा रहने दो, इनको तो मत मारो सनम, ये तो अभी भी पैदा हुए 18 साल पहले 20 साल पहले। पता नहीं हिटलर कब आए, पता नहीं कब आए, कब आए, छोड़ो, अब तो मत मारो। गेटिंग द पॉइंट्स? तो इसलिए एक प्यारी सी लाइन है, बरी द हैचेट, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स, जो बीत गया उसे भूल जाओ, उसे बीता ही रहने दो, खत्म कर दो। अब आप देखेंगे हमारे यहां इलेक्शंस की स्पीचेस में आपको 90 से 95% आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट की चीजें मिलेगी, ना हो तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए। और हम कहते हैं कि वी आर गोइंग टू डेवलप, हम विकसित होने जा रहे हैं। जब आपको जहां पे आपको अपने मुस्तकबिल का नहीं, अपने फ्यूचर का नहीं, अपने पास्ट का सहारा लेना पड़े, समझ लो आप पीछे जा रहे हैं। अगर आपका इलेक्शन जब तक पास्ट पे लड़ा जाएगा, आपके देश का इलेक्शन, तब तक आपका देश का फ्यूचर कभी सही नहीं हो सकता। फ्यूचर पे लड़ना है ना, प्रेजेंट और फ्यूचर पे लड़ना। हम ये कर रहे हैं, हम ये करेंगे, हमने ये किया था, अरे भाई वो तो गया, दैट इज गॉन, वो किया था तो किया था, कर दिए। गेटिंग पॉइंट्स? तो ये क्या है, सिंपल, लेट बाईगॉन्स बी बाईगॉन्स। मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं बता रहा हूं आप लोगों को, बिकॉज वी आर यूथ। हम लोग क्या, हाँ 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 आपने किया था, क्या बात है, आपने कर दिया था, कर दिया था आपने, अरे भाई एक चीज कर दिए, देखो कितने गरीब मर रहे हैं, देखो कहीं स्कूल नहीं, कहीं कॉलेज नहीं, कहीं मेडिकल नहीं, कहीं ये नहीं, अरे वो किसी ने किया था, उसी का ढिंडोरा पीट रहे हैं, किया था किया था किया था, व्हाट्स द प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, यू गेट व्हाट, गॉट द पॉइंट एवरीबॉडी। आगे चलते हैं। तो वी हैव कम टू नो एंड अंडरस्टूड अबाउट टू वेरी स्पेशल वर्ड्स, दैट इज डेमेगॉग एंड इन्फ्लेमेटरी स्पीच, बोथ आर रॉन्ग पैटर्न, बट क्या करोगे। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पे आपको एक वर्ड मिलेगा डेम, और एक वर्ड मिलेगा क्रेसी। इस डेम का मतलब होता है पीपल, और इस क्रेसी का मतलब होता है रूल। हमारे देश में, आवर इंडिया, आवर नेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में हम फॉलो करते हैं डेम प्लस क्रेसी, जिसका मतलब होता है डेमोक्रेसी, राइट? कहीं कहीं फॉलो किया जाता है अनार्की। हमारे सामने एग्जाम्पल है श्रीलंका और बांग्लादेश का, तो हम सबको यह गर्व करना चाहिए कि हम भारत देश जैसे देश में है जहां पर डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ बाइंडिंग एंड टेकिंग एनी कंट्री टू द नेक्स्ट लेवल। दैट इज वाई वी कैन से डेमोक्रेसी इज द वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। अनार्की मतलब होता है अराजकता, जहां पर कोई कानून ना हो, कानून को चलाने वाला कोई ना हो, सब भंबड़ हो जाए। कहना नहीं चाहिए कि किसी देश के प्रधानमंत्री का जो है इनर क्लॉथ्स, इनर वियर जो है वो हवा में उछाला जा रहा है, कहना नहीं चाहिए, बट हाउ बैड इट इज, उसकी बत्तख उसकी मुर्गी को लेकर भाग रहे हैं, राइट? कुर्सी को लेकर भाग रहे हैं, बिस्तर जो बेचारी सोती तो चद्दर उठा के दिखा रहे हैं, लो लो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस तरीके की अगर अनार्की आ जाए, अराजकता आ जाए, सो द कंट्री कैन बी वेरी डैमेज्ड, और देख लीजिए डैमेज। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए अफगानिस्तान में क्या हुआ, तालिबान और अफगानिस्तान ग्रुप का झगड़ा हो गया। अफगानिस्तान वाले
जहाज लटक के भाग रहे हैं, चक्का पकड़ के भाग रहे हैं, वहां पे क्या आ गया? अनार्की। अनार्की के चलते चलते अनार्की जैसे आएगा वहां आ जाएगी मोबोक्रेसी। ये सब इलेक्शन रिलेटेड वर्ड्स मैं बता रहा हूं आपको और कंट्री रिलेटेड। मोबोक्रेसी, मोबोक्रेसी का मतलब होता है भीड़ शासन। जैसे अनार्की आएगी, अराजकता आएगी, कोई एक सिस्टम नहीं होगा, तुरंत मोबोक्रेसी आ जाएगी, भीड़ चलाने लगेगी। जहां में भी भीड़ आए, नियम और कानून ताक पे रख दिया जाएगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आज तक जिसको भी भीड़ ने मारा है, कभी भीड़ को सजा नहीं मिली। मॉब लिंचिंग हो या मोबोक्रेसी हो, किसी भी भीड़ को सजा नहीं मिलती। वाय? भीड़ ने मारा, कोई नाम थोड़ी ना है भीड़ का। तो ये मोबोक्रेसी है, और ये मोबोक्रेसी बहुत डेंजरस चीज होती है। उसके बाद एक और डेंजरस टर्म होता है ऑटोक्रेसी। ऐसा लगता है आपुन ही भगवान है, आपुन इच भगवान है। जब ये अगर मन में आ जाए कि आपुन इच है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाती है, जिसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी, और जिसका दूसरा फॉर्म होता है डिक्टेटरशिप। राइट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। डिक्टेटरशिप, मुगल में बहुत से मुगल बादशाह आए, लेकिन पूरे देश की पब्लिक को, हिंदू मुसलमान सब लोगों ने जिसको माना, वो थे अकबर। कुछ लोग नहीं माने होंगे, बात अलग है, बट अकबर को लगभग लोगों ने ये माना कि भाई ही इज द मुगल ऑफ पीपल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेकिन वहीं पे कुछ मुगल ऐसे थे जिसको कुछ पॉपुलेशन ने माना, कुछ पॉपुलेशन ने नहीं माना। Why? Because अकबर विज विद एवरीवन। वो ऑटोक्रेसी नहीं, वो डेमोक्रेसी था मामला। ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर, ओबामा, ये सब लोग जब इलेक्शन लड़े, तो इन्होंने सबसे पहला मुद्दा क्या उठाया? जो तीनों लोग थे, उन्होंने मुद्दा उठाया काले लोगों की इज्जत हो। गोरे लोगों की इज्जत पहले से अमेरिका में, काले की इज्जत हो। अब क्या हो गया कि उन्होंने क्या उठाया? डेमोक्रेसी। गोरी की इज्जत है, काली की कर दो साथ। आज भी अक्सर हमारे साथ ऐसा पहले होता था, अब तो खैर हमारा भी समाज सुधरने लगा है। पहले क्या होता था, हम लोग किसी LGBTQ कम्युनिटी को देख लेते थे, LGBT को, ऐसा लगता था, ऐसा उछल के भागता, अरे हंसने लगे, देख कैसे वो होने लगे, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान ही नहीं हो। तो हमारा भी माइंडसेट कितना पुअर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने किसी भी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर को देख लिया, तो हम तो ऐसा छटक के भागते हैं जैसे लगता है कि भाई कोई एलियन आया हो। और अगर एलियन भी आएगा तो एक एक्साइटमेंट से देखेंगे। तो इसलिए हमें चाहिए डेमो, हमें ऑटो नहीं चाहिए, हमें डेमो चाहिए, लोग चाहिए हमें। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो इलेक्शन में, और मैं आपको आज एक कड़वी सच्चाई और कड़वी हकीकत बताता हूं, अगर मैं अब तक किसी एक ग्रुप, एक फेवर, एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा होता, मेरी बातों में बहुत मजबूती रहती है, तो मैं आज बहुत फेमस होता पूरे भारत देश के अंदर। मेरी किसी भी बात में, किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में ऐसा आप नहीं पाएंगे कि अब्दुल्ला सर मुस्लिम है या हिंदू है, अब्दुल्ला सर ये है या वो है। आपको जब मैं बताता हूं मेरा नाम अब्दुल्ला है, तो आपको लगता है अच्छा अब्दुल्ला मतलब मुस्लिम। लेकिन मेरी एक भी बात है, अगर मैं कहता हूं औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो मैं कहीं ना कहीं कह देता हूं कि ओम भूर्भुवः स्वः। मैं दोनों को बैलेंस रखता हूं, किसी को भी ऐसा ना लगे कि यार अब्दुल्ला नाम है तो आप ये ही काम कर रहे हो। अगर मैं हकीकत बता रहा हूं, अभी भी अगर मैं एक कम्युनिटी की बात करता तो आज मैं फेमस होता, टाइम ही नहीं होता पढ़ाने का। चाहे मैं मुस्लिम की बात करता, चाहे हिंदू की बात करता, मैं फेमस होता, क्योंकि मेरे पास नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन मैं एक नदिया के पार नहीं जा रहा, एक फ्लो में नहीं बह रहा। और भारत के लोग ऐसे हैं जिनको चाहिए एक फ्लो। आप कोई भी वीडियो देख लीजिए, तुरंत वायरल होती है, मुस्लिम की तारीफ कर दी जाए या मुस्लिम की बुराई कर दी जाए, हिंदू की तारीफ कर दी जाए, हिंदू की बुराई कर दी जाए, तुरंत एक रात में मिलियन। तो हमारा क्या हो रहा है? फ्लो। बैलेंस आप रह ही नहीं सकते, और बैलेंस ही रहना असल जिंदगी है। तो यू हैव टू, अब यहां पे एक वर्ड और आएगा, लिबरलिज्म। तो आपको लिबरलिज्म कुछ लोगों के अकॉर्डिंग बहुत खराब होता है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका बहुत पाक मतलब है, बहुत अच्छा मतलब है, कि आप चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, आपको लिबरलिज्म पे फॉलो करना है। आई बिलीव इन नमाज, बट आई रेस्पेक्ट पूजा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज कॉल्ड लिबरलिज्म। अंडरस्टैंड? ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं ये करता जरूर हूं अपना, बट मैं आपकी इज्जत करता हूं, ये लिबरलिज्म है।
तो लिबरलिज्म होना बहुत जरूरी है। हम आते हैं और वर्ड्स पे। तो यहां पे हमने बात की ऑटोक्रेसी के बारे में, डिक्टेटरशिप के बारे में हमने बात की, प्लूटोक्रेसी के बारे में बात किया हमने। यहां पे कौन सा था, डेमोक्रेसी, एनार्की, पावर्टी, प्लूटोक्रेसी, नहीं ना, प्लूटोक्रेसी ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, और साथ साथ में एरिस्टोक्रेसी। तो प्लूटोक्रेसी और एरिस्टोक्रेसी दोनों में मामला यह है, प्लूटोक्रेसी का मतलब यह होता है कि व्हेन योर गवर्नमेंट और द गवर्नेंस इज ऑपरेटेड बाय वेरी स्मॉल नंबर ऑफ पीपल और पार्ट, जब बहुत कम लोग उस गवर्नमेंट का संचालन कर रहे होते हैं तो उसको प्लूटोक्रेसी बोलते हैं। बहुत कम लोग घुमा फिरा के वही है, सरकार वही लोग चला रहे हैं, छोटे लोग चला रहे हैं, छोटा ग्रुप चला रहे हैं, तो प्लूटोक्रेसी है। एरिस्टोक्रेसी का मतलब जो सरकार जो संचालित किया जाए देश पैसे की मदद से, पैसे की ताकत से, दैट इज कॉल्ड पैसा है चला रहा है। और कहीं ना कहीं पैसा ही चला रहा है सब कुछ, राइट। आज देख लीजिए अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। आज का आर्टिकल आया हेडलाइन में, आफ्टर डोनाल्ड ट्रंप विंस द इलेक्शन एलॉन मस्क इज गोइंग टू बी द सेकेंड मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द कंट्री। वाई, बैकअप कौन कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, एलॉन मस्क। और एलॉन मस्क पैसे से तो पावरफुल है ही है, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर वो फंडिंग करके एरिस्टोक्रेसी, ये स्टेटमेंट, खैर मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं सब बोलने के लिए, बट मैं आपको थोड़ा लॉजिक पॉइंट बता रहा हूं। तो समवेयर इट इज एरिस्टोक्रेसी। इंडिया में भी, अब इंडिया का नहीं ले सकता इंडिया में भी यह सब चलता रहता है, बट हम इंडिया के वासी हैं तो हमें इंडिया में उतनी ही बात बोलनी है जितना हजम हो जाए, उससे आगे नहीं बोलना है। ये चालाक इंसान की पहचान होती है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है कभी। मन में बहुत कुछ हो, मन को दबा लो सनम, राइट। मन में बहुत बातें हो, मन को दबा लो सनम, मोहब्बत कर लो सनम, नफरत को मिटा दो सनम। तो चलिए आते हैं अलग पॉइंट पे, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे देश का है जिसको हम इग्नोर करते हैं, वो है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी एक ऐसा हमारा देश का ऑपरेशन डिपार्टमेंट है जो डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आता है, बट पावर जरूर होती है और इज्जत भी होती है, बट जिसको हम मानते ही नहीं। अरे क्या आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, आईएफएस, ये हमारे ब्यूरोक्रेट है ना, हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो देश को चला रहे हैं, लेकिन फिर भी एक विधायक हो और एक जो है एसडीएम हो, विधायक साहब नमस्ते सर, और एक एसडीएम आए चले गए। ब्यूरोक्रेसी हमारी इतनी डैमेज, अगर ब्यूरोक्रेसी डैमेज हो गई किसी देश के तो समझ लो पूरा देश डैमेज हो जाएगा, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं दे आर नॉट इलेक्टेड, दे आर सिलेक्टेड, बट दे हैव द एजुकेशन पावर, दे आर विजनरी। अगर मैं आपको पीएम की सेक्रेटरी की भी बात करूं तो कहीं ना कहीं वो यूपीएससी ही भेजता है जो प्रधानमंत्री को दिमाग और सोच देने वाला होता है। दैट इज वाई वी कैन से ब्यूरोक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर नेशन और एनीबडी एनी नेशन। गॉट इट, अंडरस्टूड इट एवरीवन। जुडिशरी का इलेक्शन में आना बहुत जरूरी है, और जुडिशरी का साफ साफ कहना है इलेक्शन से दो दिन पहले आप हर एक कंपेनिंग को रोक देंगे 6 बजे शाम तक, खलास जुडिशरी। अगर जुडिशरी ना हो तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला हमारे भारत देश का उच्चतम न्यायालय है जिसपे हम सबको यकीन और भरोसा है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट्स इन ऑल द स्टेट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अरे सनम गद्दारी करके कहां जाओगे तुम मुझे कोर्ट में पाओगे, तो वही वाली बात है कि कोर्ट में आप नजर आओगे। तो कोर्ट ना होता तो बड़ा मामला हो जाता, लोग कोर्ट पैंट पहन के किसी का भी गला दबा देते, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसलिए कोर्ट का होना बहुत जरूरी, और कोर्ट अगर है तो कोर्ट साफ साफ कहता है कि भाई, भाई नहीं बोलता, जो भी बोलता है, गवर्नमेंट ऑफ किसी की भी सरकार हो, आप सरकारी खजाने से कोई भी पैसा इलेक्शन कंपेनिंग के लिए खर्च नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी मेंबर को आप घुस नहीं दे सकते, खलास। पकड़े गए तो जुर्मानित किए जाएंगे और आपको बर्खास्त किया जाएगा आपके इलेक्शन से साहब जनाब, लेकिन दारू नहीं पिला सकते आप, राइट अंडरस्टैंड, आप घुस नहीं दे सकते। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि कुछ कोने और कुछ जगहों पे चीजें चल रही है, इट इज एब्सोल्युटली वेरी बैड। तो बिल्कुल हमारे लिए बहुत अपमानित
अपमानजनक बात है हिंदी में बोले तो। आगे चलते हैं तो कुछ वर्ड्स की हमने बात की। जुडिशियल का कुछ मामला ऐसा है जुडिशरी का कि हमारे पास एससी है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे पास एचसी है, हाई कोर्ट है, हमारे पास डीसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, हमारे पास एससी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है। तो मिला जुला के हमारे पास लगभग 576 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट एक है, वहीं पर हमारे पास जो है कि टोटल 24 हाई कोर्ट्स हैं, नियर अबाउट सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद। इतने कोर्ट्स के बाद भी दुर्भाग्य की बात यह है कि 4 करोड़ केसेस आर पेंडिंग, 4 करोड़ से ज्यादा भी केसेस आर पेंडिंग, केसेस पेंडिंग है। तो इनमें से कुछ इलेक्शंस वाले भी केस होते होंगे जो पेंडिंग चल रहे हैं, तो मेरी अपील है कि इनको भी जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और किसी भी क्रिमिनल चार्जेस पे लगने वालों को भी इलेक्शन में ना दिया जाए मौका, क्योंकि हमें चाहिए ऑर्गेनाइज कंट्री, राइट। जय जवान जय किसान। ओके, तो आइए आगे चलते हैं, नाउ मूविंग अहेड। अब हम सबसे पहले कुछ स्लोगन्स पे नजर डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन 2014 में मिस्टर मोदी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी जी हमारे आए और उन्होंने बोला हर हर मोदी घर घर मोदी, और वाकई में घर घर मोदी जी की लहर छा गई क्योंकि उन्होंने एक स्लोगन दिया हर हर मोदी घर घर मोदी, राइट। तो अब जैसे राहुल गांधी जी लेके आए भारत जोड़ो यात्रा, तो भारत जोड़ो यात्रा से उनका भी एक मार्केट में दबदबा आया, राइट। हमारे चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली कुछ कंपेन लेके आए, स्कूल एजुकेशन, ऐसे बहुत से लोग अपना अपना कंपेन एक स्लोगन लेके आए। आई विल टेल यू, मैं आपको बताऊंगा, मैं ये नहीं बता रहा हूं कि कौन पार्टी अच्छी है कौन नेता अच्छा है, बट मैं आप क्या कहता हूं, आपकी स्पीकिंग और आपके बिजनेस में स्लोगन पंच लाइन या जो है कि ड्रैगिंग लाइन या तो हुकिंग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमारा पहले बचपना था, हमने हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, गांव में एक पंच लाइन दी, कम लाइक इंडियन गो लाइक अमेरिकन, राइट। हाँ, अब पोस्टर पे पूरा लिखवा दिया, अब जो पढ़ता था भाई अरे कम लाइक इंडियन गो लाइक अमेरिकन, बाद में जब हम समझदार हुए हमने कहा इतनी कितनी गलत बात है, हम भारत के देश को अमेरिकन क्यों बनाएंगे, हटाओ इसको, हम भारत को भारतीय बनाएंगे लेकिन मजबूत बनाएंगे। तो कम लाइक इंडियन गो लाइक इंडियन बट गो विथ स्ट्रॉन्ग इंडियन, राइट। अब हमारी लाइन क्या है, हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट कम एंड बी क्रिएटिव, लोगों पे आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा बी क्रिएटिव। हैप्पीनेस इंस्टीट्यूट का मानना यह है कि बी क्रिएटिव, किसी भी फील्ड में आप क्रिएटिव बनो। जैसे अभी मैं बहुत कुछ बोल रहा हूं तो मैं क्रिएटिव हूं, मेरे पास कोई डायरी कोई कुछ किताब नहीं है, मैक्सिमम टीचर्स को हेल्प लेनी पड़ती है कि आज क्या पढ़ाएं सनम, लेकिन हमें तो हम कोई डायरी नहीं, पढ़ाना कुछ है ही नहीं, राइट। तो अपने हिसाब से पढ़ाना, जो हम चाहेंगे वही पढ़ाएंगे, आपको पता थोड़ी ना अब्दुल्ला सर के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या पढ़ाने वाले हैं, लेकिन देखो पढ़ा तो वही रहे हैं जो पढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब आई विल लाइक टू एक्सप्लेन यू, मैं आपको बताना चाहूंगा, स्लोगन पंच लाइन ड्रैगिंग लाइन हुकिंग लाइन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वेदर यू आर कंटेस्टिंग एन इलेक्शन, डूइंग एनी बिजनेस और गिविंग एनी स्पीच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप जितने भी महान इंसानों का उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं उनकी लाइन जरूर है। डोनाल्ड ट्रंप तो एक कैप लेके घूम रहे हैं पहन के, कैप पे मैंने गौर से पढ़ा, मैंने कहा क्या लिखा हुआ, लाल कैप था तो उसपे क्या था, लेट्स मेक अमेरिका पावरफुल वंस अगेन, लेट्स मेक अमेरिका स्ट्रॉन्ग वंस अगेन, अमेरिका को मजबूत बना रहे हैं, वोट हमें दे, राइट। क्योंकि कैप मेरे सर पे, और जैसा कि आप सब जानते हैं द वर्ल्ड लाइज अंडर योर कैप, दुनिया आपके टोपी के नीचे। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात, तो बात दरअसल ये है कि आप जिस कैप पहने हुए हैं उस कैप के नीचे आपका है दिमाग और पूरी दुनिया दिमाग के अंदर है, यही ना होता तो आप पैरालाइज होते। तो दैट इज वाई हर इंसान वही काम करेगा जो उसके दिमाग में चल रहा है। मैं आपको भले से बताऊंगा मिस्टर नीरज डू दिस डू दैट, आपके दिमाग में उसका दूसरा आंसर चल रहा है। कोई किसी को कितनी भी सलाह दे, अगर किसी का दिमाग पहले से फिक्स्ड है तो वो फिक्स्ड है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, फिक्स्ड है तो फिक्स्ड है। तो अब आपको बताएंगे यू नो यू यूज दिस पंच लाइन और दैट पंच लाइन, जैसे हम सब जानते हैं कि घड़ी का जब आता है प्रचार तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो,
अब हमारे दिमाग में ये पंच लाइन फिक्स्ड है, घड़ी जैसे टीवी पे आएगा पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर हमें जल्दी फिक्स होता है दिमाग में तो यही होता है पंच लाइन, टैग लाइन, हुक लाइन, ये जल्दी फिक्स होता है। तो हम सबको फॉलो करना चाहिए, वी ऑल शुड फॉलो, कुछ ना कुछ होना चाहिए। कौन सा? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, राइट? दो बोन जिंदगी के लिए, पोलियो, राइट? है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा लेक्चर मार रहा हूँ बट इंपॉर्टेंट बात। तो मैंने आपको यहाँ पे एक रूट वर्ड बताया जो आपको पता होना चाहिए, डिम, और मैंने आपको बताया क्रेसी। तो जहां पे भी क्रेसी लग जाएगा वहां पे शासन हो जाएगा, और जहां पे डिम लगेगा वहां पीपल हो जाएगा, राइट? अब यहाँ पे कुछ भी आ गया, डेमागॉग बोला था ना लोगों को भड़काने वाला, वहां पे भी डिम आ रहा है, डेमागॉग, डेमोक्रेसी, डेमोलॉजी, डेमोग्राफी, राइट? इस सारे में क्या लग रहा है? डेमो, राइट? प्रियंका चोपड़ा, नो चेंज, अरे प्रियंका भटनागर, प्रियंका डुग्गर, राइट? बिकॉज अतुल्य भटनागर, राइट? कोमल राजपूत, राइट? समीर चौधरी, मोहम्मद अब्दुल, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो दीज आर एक्चुअली पंच लाइन्स एंड टैग लाइन्स, होप यू अंडरस्टैंड। तो इलेक्शन के बारे में जो जो मैंने आपको टर्म्स बताए हैं, द टर्म्स आई हैव टोल्ड यू, यू ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं, मैं बात कर रहा था स्लोगनिज्म के बारे में। और तो स्लोगनिज्म में बहुत सारे स्लोगन्स आप खुद से बना सकते हो, और बहुत से स्लोगन्स पहले से बनाए गए। फॉर अ बेटर फ्यूचर प्लीज कास्ट योर वोट, बड़ा सिंपल है। इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड योर नेशन, कम आउट ऑफ योर होम एंड कास्ट योर वोट। प्लीज डोंट यूज बुलेट, यूज बैलेट, राइट? डोंट डू मेकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल डू द कैचअप विथ बैलेट बॉक्स, राइट? मतलब ये तो मैंने बना दिया, राइट? तो कहने का मतलब कि देयर विल बी मेनी कोटेशन विच विल इनकरेज द वोटर्स टू कास्ट देयर वोट, होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? लेट्स स्पीक फ्यू थिंग्स आफ्टर मी। योर वोट इज योर राइट, एंड यू हैव चॉइस। लेट्स मेक our nation stronger and stronger, no darkness, only light, no internal fight, nor external fight, only your future and our future bright, but please don't drink Sprite. So ladies and gentlemen, Please understand. The sloganism behind your authority, your right, your power, your vote, and your vote is your choice. No pressure, no direction, no distraction, no objection, no obstruction, no construction. Only the final destination. According to your mind, your focus, and your concentration. Okay, चलो ठीक है।